के बिना मोहिनीअट्टम डांस नहीं होता। ये घुंघरू पहन लो, पर ध्यान रहे ये मेरे खास घुंघरू हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आसान से डांस स्टेप सीखेंगे। जैसा मैं करती हूँ वैसा करो, ओके? इतने तेज नहीं, धीरे धीरे। नहीं, ऐसे नहीं। कहाँ फंस गए यार? देखो ऐसे। फिर से शुरू करो। फिर से शुरू करो। फिर से शुरू करो। नहीं, फिर से करो। थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बस बहुत हो गया। श्याम, ये तुमने क्या किया? वो मीना के खास घुंघरू थे। तुमने मीना के घुंघरू तोड़ दिए? अगर मीना को पता चला तो तुम्हें उसके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। श्याम रुको, कहाँ जा रहे हो? जंगल में। मैं टॉयलेट जाना है। कमाल है, सबको एक साथ टॉयलेट आई है। मेरे घुंघरू! मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरे खास घुंघरू है और तुमने। सॉरी मीना, हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे घुंघरू लाए हैं। देखो कैसे लगे। बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने घुंघरू जोड़ लिए हैं। चलो अच्छा है, तो अब मैं चलूं? बिल्कुल नहीं, अभी प्रैक्टिस बाकी है। इन अटपटे कपड़ों में मेरा दम घुट रहा है। और तुम भी इस शाम की तरह मेरे डांस का मजाक उड़ाने लगे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बीनू। घुंघरू पहनना भूल गया, मीना फिर से गुस्सा ना हो जाए। ये बेरों वाला घुंघरू ही पहन लेता हूँ। ये अचानक टाइट कैसे हो गए? अरे वाह, श्याम कितना अच्छा नाच रहा है। मगर ये अचानक से नाचना कैसे सीख गया? आहा। अरे श्याम फिर से मेरे डांस का मजाक उड़ा रहा है। श्याम, तुम फिर से गुस्सा दिला रहे हो। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर चल रहे अपने आप। ये बेरों वाला घुंघरू निकालो। मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ इधर। बेरों वाले घुंघरू? वो हमें जंगल में कुछ जादुई पेड़ मिले जो छमछम आवाज कर रहे थे, और उन्हीं बेरों से हमने वो घुंघरू बनाए हैं। तो ये उन जादुई बेरों का नतीजा है। अच्छा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब तो मुझे लो। कैसे आती हो? एक दरवाजा भी नहीं तोड़ पा रहे। समझे?
अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी हमें अंदर आने से रोक क्यों रहे थे? तो तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें मुसीबत में डाल ही दिया। मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था ताकि तुम अपने आप पर काबू करना सीख सको। कलरी सीखने के लिए अपने आप पर संयम रखना बहुत जरूरी है। सॉरी अप्पा। सॉरी गुरुजी। बच्चों ने देख लिया कि ये कमरा खाली है, अब वो यहाँ वापस नहीं आएंगे। तो यही है वो जादुई पेड़ जो तू बता रहा था? हाँ, यही है। इसके नीचे कोई भी हथियार लेके खड़े हो जाओ, चलाना अपने आप आ जाएगा। कोई हथियार सीखने के लिए मुझे किसी जादुई पेड़ की जरूरत नहीं है। जादू की जरूरत तो उस बीनू को पड़ेगी मुझे हराने के लिए। अब चल यहाँ से, बोर मत कर। बीनू, 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 बोल, क्यों चला रहा था? अरे ये सब छोड़, तू चल मेरे साथ। अरे बड़ा पेड़ है ये जादुई पेड़ है बीनू, इसके नीचे ओट्टा लेके खड़े हो जाओ, चलाना अपने आप ही सीख जाओगे। सच्ची मुच्ची। उल्लू कहीं का। अब जादू होगा बच्चे के साथ। ट्रॉफी किसी को नहीं चाहिए तो मैं ही रख लेता हूँ। ओहो बेटा, आखिर तुमने ट्रॉफी को दोनों गुरुकुल के बीच बांटने का तरीका ढूंढ ही लिया। इस ट्रॉफी ने तो मेरा पैर तोड़ दिया। कोई भी हमें फोन देने को तैयार नहीं है, अब क्या करें अम्मी? अरे कितनी बार बताऊं ये राधे श्याम का नंबर नहीं है, दोबारा फोन मत करना। अम्मी देखो गुरु बेटा के पास मोबाइल है। क्या चाहिए, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें आपका फोन चाहिए, बस बस एक कॉल करनी है। नहीं मिलेगा। प्लीज छोड़ो, बस इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, जल्दी करो। हेलो श्याम। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है। तो आपको सही नंबर पता है क्या? हेलो हेलो। अरे अब तक 10 फोन लगा चुके हो, और कितने लगाओगे? बस एक और, बस बस एक 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 और। ये लीजिए आपका फोन खराब हो गया। ओ, ओ, तुम दोनों। बाय बाय।